एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आए थे हम अम्मी घर में, कल बाई का ख़त्म था, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। फिर हम रुक गए थे रात को यहाँ पे अम्मी के यहाँ, और बस अब जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक बारिश आ गई और बच्चों ने खूब इंजॉय किया बारिश में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हब सिकना था, हवा बिल्कुल बंद थी और ब्लैट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अचानक से बारिश हो गई, हवा भी ठंडी चलने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया और अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बारिश जैसे ही रुकेगी तो हम घर जाएंगे। बारिश अभी भी हो रही है लेकिन हल्की हल्की हो रही, ज़्यादा नहीं। गाइस, ये आयत जो है ना, बहुत अच्छी बच्ची है, ये तंग नहीं करती है, फिर भी रोती है। देखो देखो, जो तक आपको बता रही, बताओ बताओ गाइस को, बताओ गाइस, मैं रोती बहुत ज़्यादा हूँ, बताओ। ये नानी के घर में आई हुई है और सबको बोलती है मुझे उठाओ, बताओ गाइस को बताओ। ये देखो, सब आपको देख रही है, सब फ्रेंड्स को देख रही है और हाय कर रही है। मैं आयत हूँ, बताओ बताओ, मैं आयत हूँ, बताओ जल्दी से, बताओ गाइस को, बताओ गाइस, मैं आयत हूँ, मुझे सब आयत बोला करो, बोलो। इंजॉय कर रही है बारिश में। और ये देखे नन्हे मुन्ने मेहमान, यहाँ पे खाना बन रहा है, दाल चावल बनाया है बाबू ने। ये देखे ये नन्हे मुन्ने अम्मी घर में आते खेलने के लिए, और ये देखे बारिश में खूब इंजॉय, खूब मस्ती हो रही है। अतिया कपड़ा, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आयत, अरे ये देखे आयत उल्टी होके मस्ती कर रही है। देखे आयत, आयत जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, ट्रैपिंग करो, जल्दी आओ, ट्रैपिंग करके दिखाओ। यहाँ पे हो गई है सुबह सुबह बारिश स्टार्ट, सुबह के हो रहे 10:30 यानी कि रात से लगी हुई है बारिश। ये देखे जी, ये देखे सारा सैंड जो है ना गीला हो गया है। और सैंड जो है ना सारा गीला हो गया और अभी भी बारिश हो रही है, ये देखें। और मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, और आज बच्चे स्कूल नहीं गए, वैन वाला भी नहीं आया, और वैन वाला कह रहा था बारिश बहुत हुई है भाई, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी रास्ते में, तो मैं आज नहीं आऊँगा, इसलिए लेट हो गए नाश्ते में आज। और यहाँ पर मैंने काले चने भिगो दिए हैं और इसकी आज बनाएँगे चाट। मौसम काफ़ी अच्छा है और बच्चे कह रहे थे कि आज काले चनों की चाट बना दो, तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने तवा रखी है और रोटी वाला पटला रखी है और आटा भी लिया है फ्रिज से, तो बस अब नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह, फिर दोपहर की खाने की तैयारी करेंगे। नाश्ता मेरा हो गया तैयार, यहाँ मैंने पराठे बना लिए हैं और बच्चों के लिए अंडे फ्राई कर लिए, साथ में शिमला मिर्च आलू का सालन था ये साथ में रख लिया है। और इंशाल्लाह नाश्ता करने के बाद अपना दूसरा काम शुरू करेंगे। नाश्ता वगैरह करके फारिग हो गए थे तो ये कपड़े हैं यहाँ ढेर लगा हुआ है चारपाई पे। कल खैर मशीन लगा ली थी तो कपड़े सूखे ही नहीं, अचानक से बारिश आ गई। शुक्र है कि स्पिनर किए हुए थे कपड़े और फिर पंखे के नीचे सुखाए हैं, और अब इसे बैठ के तय करेंगे, तय करके इसको मैं अलमारी में लगा दूँगी। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, ये देखिए बादल कितने काले बने हुए हैं, 3 दिन हो गए आज बारिश हो रही है। मैं मोबाइल ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकती वरना बारिश का पानी चला जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने किचन की सफाई वगैरह करके सामान सेट कर दिया है, सेटिंग चेंज की है, ये आप देखें सेटिंग चेंज की है। और यहाँ पे बाबा ले आए थे धनिया पुदीना आलू, तो यहाँ पे रख दिए हैं चने बॉयल करने के लिए। और किचन पूरा क्लीन हो गया है और ये सारा सेन वगैरह साफ़ कर दिया है। और यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, अब मैं इसे ही बॉयल कर लूँगी।
यहाँ पे आलू रख दिए हैं बॉयल करने के लिए और चने की चाट बना रहे हैं, और यहाँ पे मैंने रख दिए हैं चने बॉयल करने के लिए, और यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना वगैरह मंगवा लिया है, और बस अब इसकी तैयारी करते हैं, चाट का सामान तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने चने की चाट का मसाला तैयार करके रख लिया है, चने की चाट बनाएंगे और उसके लिए मैंने ये सारा मसाला वगैरह तैयार करके रख लिया है, और यहाँ पे मैंने बेसन भी तैयार करके रख लिया है और पकौड़े भी बनाएंगे साथ में, और फिर आपके साथ शेयर करेंगे मज़े मज़े के पकौड़े और चने की चाट। माशाल्लाह जी, देखें हमारी चने की चाट हो गई है तैयार, जी जिसको खानी है आ जाएं, और यहाँ भी पकोड़े भी हो गए तैयार, और चने की चाट और पकोड़े हमारे तैयार हो गए, और बस अब इंतज़ार है खाने का, और जी जिसने खानी है आप आ जाएं हमारे साथ। और इतना अच्छा मौसम है और पकोड़े और चने की चाट तो होनी चाहिए थी, तो बच्चों की फरमाइश थी और हस्बैंड की फरमाइश थी, आज सब घर में थे तो फिर मैंने चने की चाट और पकोड़े बना लिए। इतना अच्छा मौसम हो और पकोड़े और चाट तो होनी चाहिए ना इसके साथ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ये आपकी चाहत होती है, मोहब्बत होती है, जो आप लाइक भी करते हैं सब्सक्राइब भी करते हैं, और यकीन जाने के दिल से दुआ निकलती है जब एक सब्सक्राइब भी मिलता है। तो प्लीज़ अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।